जी आया नु मेरे YouTube चैनल ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਰੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਨੈਕਸ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਤੱਕ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਤੇ ਹੈ तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं क्रिस्पी पिज्जा। चलिए सबसे पहले हम मैदा घोलेंगे। मैंने एक बाउल मैदा लिया है, इसमें मैं सबसे पहले नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने मटेरियल के हिसाब से आधा टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं नमक। इसी के साथ मैं एक टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी। मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूंगी, हमें लिक्विड कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी मैदे की। हमें एक स्मूथ बैटर तैयार करना है। अब जी बैटर एकदम स्मूथ हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी फ्लोइंग में ही होनी चाहिए, ये थिक नहीं होना चाहिए, ऐसे जैसे कड़छी पे कोट हो जाए। ये देखिए इस टाइप। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूंगी। और अब मैं दो ब्रेड पीस लिए हैं मैंने, इनको छोटे छोटे पीसेस कर लिए, मैं इनको ग्राइंड करूंगी। इस तरह से मैंने ब्रेड क्रम बना लिया है। गैस मैंने ऑन कर ली है, इसमें मैं 2 टेबलस्पून के अराउंड ऑयल डालूंगी। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो जाता है इसमें मैंने स्लाइस अनियन डाल लेने हैं। हल्का सा इनको सौते कर लूंगी, इनका थोड़ा सा कच्चापन जो है वो निकल जाए। अब मैं इसी के साथ शिमला मिर्च, 2 शिमला मिर्च लिए हैं मैंने, और 1 गाजर। इसको मैंने बहुत ही बारीक बारीक लंबा लंबा स्लाइस में ही काटा है। इनको मैं फ्राई कर लूँगी। हमें इन्हें 2-4 मिनट खुले में ही सौते ही करना है। आप कोई भी वेजिटेबल यूज कर सकते हैं, कैबेज भी कर सकते हैं, कोई और आपको पसंद है कोई भी वेजिटेबल अच्छी लगती है, ये अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। अब मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून के अराउंड नमक डाल दूंगी और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अभी फ्लेम मेरा नीचे चल ही रहा है। नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। इसी में मैं थोड़े से मैंने कॉर्न के दाने भी लिए हैं, उनको मैंने बॉईल कर लिया है, वो भी मैं इसी में ही ऐड कर दूंगी। फ्लेम नीचे से बंद कर रही हूँ। अब मैं इसमें मिक्स हर्ब डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आप लाल मिर्च और हल्का सा गरम मसाला भी डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। मैंने मिक्स हर्ब डाले हैं इसमें। अब मैं इनको बाहर निकाल लूंगी। दस मिनट हो गए हैं मेरे को इसको रेस्ट पे रखे हुए। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम बनाना शुरू करते हैं शीट्स। गैस मैंने ऑन कर दी है, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी पूरे पे, इसको अच्छे से फैला लेंगे। जैसे ही ये गर्म हो जाता है तब इसमें हम मटेरियल डालेंगे। गर्म हो गई है, अब मैं इसमें मटेरियल डालूंगी। 1 कड़छी मैंने डाल दी है, इसको मैं सारे में फैला लूंगी। फ्लेम मैंने मीडियम लो ही रखा हुआ है, हाई पे भी नहीं है और लो पे भी नहीं है। जैसे ही ये पक जाता है बहुत ही इजीली, दूसरी साइड से भी पका लेंगे। अब ये हमारी बन गई है, इसको मैं बाहर निकाल लूंगी। एकदम पतली है ये, देखो
ये मैंने सारी शीट्स रेडी कर ली हैं, ये देखो एकदम ट्रांसपेरेंट है, एकदम पतली। मैंने 2 टेबलस्पून के अराउंड मैदा लिया। अब हम थोड़ी ना वो बनाएंगे, स्लरी बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल लूंगी। ये मैंने बना लिया। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक की होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर हमें उसको चिपकाना है ना पॉकेट्स को। अब मैं इस मटेरियल में थोड़ा सा चीज़ ऐड कर रही हूँ। चीज़ मैंने फ्रोज़न चीज़ लिया है, इसको भी मैं इसी में ही डाल दूँगी। इसी में ही मिक्स कर लूंगी। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। इस तरह से मटेरियल डाल लूंगी। हाँ, इस तरह से इधर साइड से भी फोल्ड कर लेंगे, इधर से भी। अब मैं थोड़ी थोड़ी स्लरी लगा लूँगी, क्योंकि इससे ये सारा चिपक जाएगा। इस तरह अब ये हमारी रेडी है पॉकेट। अब जी मैंने सारी तैयार कर ली हैं फिलिंग्स करके। अब मैं इनको, ये जो मेरा मटेरियल जिसमें मैंने बनाई थी शीट्स बनाई थी, उसी में मैं इनको डिप करूँगी। इस तरह जो मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे, अब मैं उसमें कोट कर दूँगी इसको अच्छे से। इस तरह अब मैं इसको, ऑयल मैंने गरम कर लिया, अब मैं इसको ऑयल में डाल दूँगी। मैंने ऑयल मीडियम लो पे ही रखा है, फुल पे गरम करके मीडियम लो कर दिया था। इसी तरह मैं बाकी के भी डाल दूंगी। अब मैंने ये 3 डाल ली हैं। अब मैं इनको मीडियम लो फ्लेम पर ही फ्राई करूंगी, क्योंकि फुल पे एकदम नहीं तो ना जल जाते हैं। इस तरह इनको हम मीडियम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अब ये हमारे एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बहुत ही प्यारा कलर आया है, ये देखिए। अब मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ। ये देखिए एकदम क्रिस्पी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें।